एवरीवन, वेलकम अगेन टू विकेतन पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? यस, सभी लोगों का विकेतन पैराडाइज में फिर से एक बार स्वागत है। और आज नवरात्रि स्पेशल में हम आपके लिए एक और देवी दर्शन के साथ आए हैं, एक एंटरटेनिंग पूरा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। सो आज हम मॉर्निंग में ही लगभग 3:30 बजे चले पड़े थे कटरा से, तो अभी हम पहुंच रहे हैं ज्वालामुखी। सो अभी हम देवी दर्शन करेंगे ज्वाला माता के और आपको भी दिखाएंगे। क्यों? बिल्कुल। सो अभी हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं। सो हमने सोचा कि अंधेरे में क्या इंट्रोडक्शन दें आपको। सो गुड मॉर्निंग, हमने यहाँ पे आपको ठीक समझा करना। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को। और लगभग आई थिंक अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 3:30 बजे हम कटरा से चले थे। सो अभी आइए हमारे साथ, आप देवी दर्शन करिए ज्वाला माता के और फिर उसके बाद हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, अपने और पहाड़ों की तरफ। क्यों? बिल्कुल। सो और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। विकेतन पैराडाइज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करते रहें। और पीछे हमारी गाड़ी भी खड़ी है, सब हमारा वेट कर रहे हैं। सो आइए ले चलते हैं आपको। यस यस, धूप बहुत है। फ़िलहाल हम हैं काफ़ी क्यूट क्यूट पपीज़ के साथ और ये हम हैं जहाँ पे पंजाब का टैक्स कटता है, उस जगह पे हम पहुँचे। और देखिए कितने कलरफुल, कितने ब्राइट कलर के, कितने प्यारे पपीज़ ये सारे हैं। एंड यहाँ पे एक पपी नाले में भी फंसा हुआ था जिसे हमने रेस्क्यू कर लिया था, निकाल लिया था नाले से। हालांकि हमने उसको वीडियो में कैप्चर नहीं, ज़रूरी नहीं समझा करना। देखो ऊपर स्क्रीन लगी हुई। व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में और आप देखेंगे नवरात्र के पावन अवसर पर कितना अच्छा पूरी ये मार्केट सजी हुई है। फ़िलहाल गाड़ी हमने मेन रोड पे लगाई है, वहाँ से एक ही रास्ता ऊपर के लिए जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप इजीली पहुंच जाते हो, काफ़ी नज़दीक है। और रास्ते में हर जगह हर तरह का सामान आपको लेने के लिए मिल जाता है, चुनरी, प्रसाद, फ्लावर्स एंड ऑल। नवरात्र स्पेशल, हाँ बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे है और काफ़ी मज़े आ रहे हैं। मार्केट काफ़ी अच्छी है, सजी हुई है। आते में हम लोग शॉपिंग करेंगे और ये देखो यहाँ कैसे मान्यता हो गई लोगों की। Thank you.
फिलहाल हम खोल रहे हैं यहीं पे शूज़। आई थिंक यहाँ पे ऊपर यहीं बाहर खोलते हैं शूज़। ये देखिए मंदिर की एंट्रेंस, और यहाँ पे सारी शॉप्स में आप कहीं भी शूज़ खोल सकते हैं। सो हम सारे यहीं पे शूज़ खोल रहे हैं और प्रसाद भी यहाँ से ले रहे हैं। जय माता दी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश क्राउड यहाँ पे है। घूम घूम के हमें माता रानी के दर्शन करने जाना है। सो पूरा परीक्षण यहाँ पे हो रहा है और नवरात्रे हैं। सो जय माता दी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। उस परे वाले कॉर्नर में हम थे और वहाँ से अब इस वाले कॉर्नर में आ चुके हैं। अभी और थोड़ा आगे जाना है, फिर जाके कहीं माता रानी के दर्शन होंगे। दर्शन करके वापस पहुंच चुके हैं हम भक्तों। एंड आपको पता है टेंपल में अंदर वहां पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो इस वजह से हम वहां का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट ये है कि आप कहीं भी ज्वाला माँ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत एक अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। तो अभी फ़िलहाल आप देखिए अकबर द्वारा दिया गया सोने का छत्र, अकबर ने ये सोने का छत्र दिया था, बट आज की डेट में आप इसे देख सकते हैं। इसको ये तांबे पीतल, इसका पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी धातु का ये हो गया है। अभी ज्वालामुखी टेम्पल में हमने ज्वाला माता के दर्शन कर लिए हैं। एक प्रबल ज्योत जो यहाँ पे कई सालों वर्षों से जली आ रही है, उसके दर्शन किए हैं। और अकबर द्वारा रखा गया छत्र भी हमने यहाँ पे देखा है। और आप देख सकते हैं कितना क्राउड यहाँ पे, कितनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई है। बैक साइड में हम भी पूरा ये लाइनों में घूम घूम के यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि नवरात्रे है तो नवरात्रे के उपलक्ष्य में ही रहता ही है। क्यों? और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चश्मे पहन के लेडीज़ फ़ोटो खिंचा रही है। जय माता रानी, जय ज्वाला माता, ज्वाला माता की जय। ये देखिए फ्रेंड्स व्यूअर्स, ये वाला मेन टेंपल है जो सामने आपको दिख रहा है। इसमें वो प्रबल ज्योत जल रही है काफ़ी समय से। अलविदा लेते हैं माता रानी के दरबार से। ढेर सारी खुशियां शुभकामनाएं सबको माता रानी दे। और अभी चलते हैं, ये हो रही है शॉपिंग, क्योंकि दर्शन करके फारिग हो चुके हैं सारे। सो इट्स अ शॉपिंग टाइम। हाँ ये ठीक है वैसा।
लेमन सोडा एंड शुगर केन जूस टाइम। व्यूअर्स वेलकम अगेन। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं लंच करने क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है। सुबह हमने सिर्फ परांठे खाए थे, वो भी अपना जब ज्वाला माता के दर्शन किए उसके बाद कहीं जाके हमने ब्रेकफास्ट किया, तो एक एक परांठा हार्डली हमने खाया होगा। तो बट अब ऐसा है कि मौका मिला है तो हम एक प्रॉपर लंच कर लेते हैं क्योंकि इतने दिनों से हमारा चला हुआ है सिर्फ वैष्णो खाना। वैष्णो खाना खा रहे तो अब हमारा थोड़ा सा मूड है चाइनीज खाने का, तो मम्मी पापा का तो पता नहीं वो चाइनीज खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बट हम फिलहाल बच्चा पार्टी या बड़े छोटे पार्टी जो हम लोग जो है चाइनीज खाएंगे। बाकी मम्मी पापा शायद हो सकता है कि नॉर्थ इंडियन ही खाए, तो चलो हम लोगों के साथ साथ ही हम ले चलते हैं आपको एक लंच की तैयारी हमारे चली हुई है। हमारे साथ जो भी सीनियर लोग थे उनके लिए हमने मंगाई है एक स्पेशल थाली जिसमें वेज सब्जी है, चपातीज है, चावल है, रायता है, दाल है, सैलेड है। सो वो ये चीज़ खाएंगे। और हम लोगों ने अपने लिए मंगाया है चाइनीज़ जिसमें आई थिंक मोमोज, चाउमीन हमने मंगाए हैं। सो हम ये खाएंगे, तो आए इन्जॉय करते हैं लंच को क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम ये चाइनीज़ खाने जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम इतने दिनों से वही रिपीटेड चीज़ें खा रहे थे। कभी कभार थोड़ा सा बाहर का खाना अच्छा लगता है, जब आप बहुत टाइम बाद खाएं तो और भी ज़्यादा लजीज लगता है। रस मिलाई के खाने वाले लोग फिलहाल लंच करके हम हो चुके हैं फारिग। और मैं आपको बताऊं बहुत ही मस्त और प्यारा, आप बोले बहुत शानदार, यस क्वालिटी फूड विद बेस्ट रेट। मीन्स मेरे को रेट भी इनके काफ़ी पसंद आए हैं और साथ में खाना भी इनका बहुत अच्छा है। कभी भी आप आए तो यहाँ पे ये कामधेनु वालों का है, व्यास कामधेनु के नाम से कैफेटेरिया है, बहुत अच्छा। और ये नमहोल में सिचुएटेड है, सो आप आए और इंजॉय करें यहाँ का फूड। क्यों, लोकेशन भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा, सर्विस भी बहुत अच्छी। इनके पास प्रोडक्ट्स अपने हैं सारे कामधेनु के, आइसक्रीम्स वगैरह इन्होंने नई लॉन्च की है, नमकीन भी है और इवन मिठाइयाँ वगैरह। सो आप इंजॉय करें, ऐसे भी डेयरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म है कामधेनु। सो मिलते हैं आपको, हम आगे चलते हैं, फिर हमारे साथ आप चले क्यों। व्यूअर्स इसके बाद हम अपनी फर्दर जर्नी के लिए अपने शिमला घर चले गए थे। सो हम अपना ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। विकेतन पैराडाइज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। जय माता दी और इन्जॉय।